तो हाय नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, आज मैं जा रहा हूँ राजस्थान बाय ट्रेन। तो हम जा रहे हैं वहाँ पर, गोगा जी का टेंपल है वहाँ, बहुत फेमस है, तो वहाँ जा रहे हैं मैं और दीपक। तो दीपक तो अभी मेरा मेट्रो स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा है, बस अभी मैं घर से निकलता हूँ। मेरे बैग की हो चुकी है पैकिंग, बस निकलते हैं। यहाँ बारिश भी हो रही थी तो अब 4 बज चुके हैं, हम निकलते हैं यहाँ से। चल भाई ठीक छू, चल भाई ठीक है, नमस्ते। ठीक है, ठीक। चलो भाई अब निकल चुके हैं बाहर, ऐसा मौसम गीला 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 हो रहा है। दीपक ने बोल दिया जल्दी आने को, पर खुद आया नहीं अभी, तो मैं पहले ही निकल रहा हूँ। अभी यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ किसका, ई रिक्शे का। देखो आज बारिश भी मस्त हुई है। आज ट्रेन पता नहीं ये है या कौन सी है। ये तो इंजन नंबर है, पीछे ट्रेन भी है। नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूँ। अभी हम रेलवे स्टेशन तो पहुँच चुके हैं, यहाँ पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है काफ़ी समय से। हम थोड़ा पहले ही पहुँच गए क्योंकि हम यही है, ये हमारी सीटें दो टॉप टॉप की आमने सामने। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम कौन सा S3 है। फाइनली हम लोग चल पड़े यहाँ से अपने सफ़र की ओर राजस्थान। और यहाँ पे ड्रेसिंग चेंज हो रही है, भाई ने अपना ड्रेस कोड चेंज कर लिया लाइव, मैंने लाइव वीडियो नहीं बनाई। और ट्रेन चल पड़ी चुक 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 चुक। ओके दोबारा बोलना, मैं आवाज़ कट गई आपकी। कोई नहीं, अगली बार फ्लाइट से चलेंगे। वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है यार। हाँ ये भी जाम जा रहे हैं, वहाँ एयरपोर्ट नहीं है, वो तो आप देख लो, देख ही लोगे क्या क्या है क्या नहीं है वहाँ। मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम बेसिकली जा रहे हैं गोगा जी के मंदिर में। गोगा जी में इनका थोड़ा आपको परिचय देता हूँ। इन्हें राजस्थान में लोक देवता की तरह पूजा जाता है। जो ये शिष्य थे वो गुरु गोरखनाथ बाबा के शिष्य थे। इनकी माता का नाम बाछल था और जो इनके पिता थे वो जेवर सिंह थे। जो जेवर सिंह थे उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी बहुत समय से। तो एक बार गोरखनाथ बाबा इनके राज्य में आए थे वहाँ पे, तो इनकी माँ बादशाह को पता चला कि वो आए हैं, तो उनकी माँ गई वहाँ पे। तो गुरु गोरखनाथ बाबा ने उन्हें, कहते हैं ऐसा, कि नाग लोग जाके नाग की मड़ी ला के उनकी माता को दिया था, तो जाके ये गोगा जी महाराज पैदा हुए थे। तो इसी वजह से उन्हें नागों का देव। जो गोगा जी महाराज थे वो गुरु गोरखनाथ बाबा के शिष्य भी रह चुके हैं, वो मतलब शिष्य थे उनके। जो भी उन्होंने शक्तियाँ सीखी, जो भी सीखा सब गुरु गोरखनाथ बाबा सीखा था। और जो ये राजा बने थे तो इनकी प्रजा बहुत सुखाल थी, इन मतलब कोई प्रजा में कोई दुख संकट नहीं था। तो इन्हें वहाँ पे हर घर में पूजा जाता है। और इनकी इन्हें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इन्हें दोनों धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों लोग उससे पूजा जाता है। जो हिंदू धर्म है उसमें तो गोगा जी, कौन थे और क्या नाम था, झारवीर, ये झारवीर बाबा, जो झारवीर है बेसिकली मुस्लिम टर्म में बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो यहाँ से कुछ है नहीं, यहाँ हिंदू एकता को, हिंदू मुस्लिम एकता को देखने को कह सकते हैं हम। चुके हैं फाइनली, यहाँ कुछ सीन ऐसा है, ठीक है गुरु जैसा भी है। तुम्हें स्टेशन क्या करना। तो भाई साहब को कैसा लग रहा है, राजस्थान में प्रवेश कर चुके हो। तो भाई साहब और मैं, आपको लग रहा है भाई साहब क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अब हम राजस्थान में हैं। राइट नाउ वी आर इन राजस्थान। मुझे बाहर जाना कुछ सटीक साबित नहीं हो रहा है, फिर क्यों ना हम अंदर ही है। तो ये है गोगा मड़ी स्टेशन, अगर आप आए। ये है गोगा मेड़ी राजस्थान। यहाँ पर मेरे ख्याल से लोग यहाँ आते थोए हुए हैं क्योंकि रात के 2 बजे हैं। और एक खास बात है, ट्रेन दो ही है, एक आती है एक जाती है। शायद यही बन के जाएगी ना दीपक, यही वाली बन के जाएगी। कौन सी वाली जाएगी आगे, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, हमें लगा हम दो ही होंगे। देयर आर लॉट ऑफ श्रद्धालुज़।